तो स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। देखो भैया, तुम लोगों का ना भर भर के कमेंट आया कि भैया रील वीड बनाना सिखाओ। तो तुम लोगों ने कुछ कहा है और मैंने नहीं किया है, ऐसा कभी हुआ है क्या? आगे भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ड्रिल बीट बनाता कैसे है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ड्रिल बीट का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड लेवल का, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। वो जो इफेक्ट है वो कभी भी मोबाइल में एफएल स्टूडियो में ला नहीं पाओगे अगर तुमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर का चीज है। कंप्यूटर में तुम आसानी से बना लोगे ड्रिल बीट और उसका जो इफेक्ट है वो आसानी से बना लोगे, लेकिन मोबाइल में बनाते बनाते भैया दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है, वो तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों को इतना ही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, एक एक जगह देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अगर भैया कहीं भी स्किप कर दिए तो पूरा एकदम गोलमाल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। आज मैं तुम लोगों को नहीं कहूंगा कि भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो मर्जी कर देना। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद नहीं आए तो कम मत करो, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो पहला सेक्शन हमारा आता है किक का, ड्रम, ठीक है, ड्रम पैटर्न का। ड्रम पैटर्न हमारा बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि बीपीएम कितना रखना है। बीपीएम 135 से 155, ठीक है, 135 से 155 तक रखना है आपको बीपीएम, इसी के बीच में, मतलब मिनिमम 135, मैक्सिमम 155, ओके। अब हमारा पहला जो सेक्शन आता है वो आता है ड्रम बीट का। ड्रम बीट बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, कोई भी बना सकते हैं, बच्चा भी बना सकता है ड्रम बीट को। लेकिन ड्रम बीट का जो सैंपल है, मतलब किक, स्नेयर और हाई हैट, ये जो तीनों सैंपल है हम ये तीनों लेके आज बनाएंगे। तो ये जो तीनों सैंपल है, ये तीनों सैंपल शॉर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक किक है दुम, एक किक है दुम, ठीक है, ये जो दुम है तो इस किक को हमको लेना है शॉर्ट, ओके, शॉर्ट किक, शॉर्ट स्नेयर, शॉर्ट हैट, ओके, तीनों चीज ले लेंगे। हमारा किक पैटर्न, किक और स्नेयर पैटर्न बहुत ही सिंपल होगा, ओके। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, उससे उसके बाद मैं बाकी का बता रहा हूँ। अब हमारा किक और स्नेयर का पैटर्न हो गया, लेकिन अब हमें बनाना है हाई हैट पैटर्न। हाई हैट पैटर्न रेगुलर हम जैसे बनाते हैं वैसा नहीं होगा, हमको कुछ डिफरेंट बनाना है ताकि वो ड्रिल वाला वाइब आए, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को करना है जो कि है 1/4 स्टेप, ठीक है। ये 1/4 स्टेप कैसे करेंगे, ऊपर देखो लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक मैग्नेट का आइकन है, उसमें लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद 1/4 स्टेप में कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नोट है, ड्रम का जो नोट है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब आप 1/4 स्टेप, मतलब एक घर में चार नोट आप लोग दे सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो ये करने के बाद हमारा जितने भी हाई हैट का नोट है वो सबको एकदम छोटा कर देना है और अपने हिसाब से रिदम बनाना है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं।
देखो हमारा ड्रम बीट कंप्लीट हो गया, अब हमें क्रिएट करना है कॉर्ड प्रोग्रेशन, सिंपल सा हम बना लेते हैं। और तुम लोग कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो, हम फिलहाल अभी बना लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन भी हो गया और ड्रम बीट भी हो गया। अब आता है हमारा सबसे खतरनाक चीज, वो है 808। ठीक है, कि 808 के बिना ड्रिल इफेक्ट आ ही नहीं सकता भाई, बहुत ही खतरनाक चीज है। देखो भाई, एक तरफ से खतरनाक चीज है और एक तरफ से इंटरेस्टिंग चीज है। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था तुम लोगों को कि कुछ इफेक्ट है जो कंप्यूटर में ही लगता है, ठीक है, मोबाइल में नहीं आता है। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप मोबाइल में इस इफेक्ट को डाल नहीं सकते हो, ठीक है, कतई डाल नहीं सकते हो। तो वो चीज क्या है मैं पहले बता देता हूँ। देखो हमारा जो ड्रिल बीट होता है उसका जो 808 है, 808 में दो तरह के, मतलब एक ही पियानो रोल में दो तरह के 808 रहता है, एक है नॉन स्लाइड एक है स्लाइड। वो चीज जो कंप्यूटर में इजिली तुम कर लोगे, क्योंकि कंप्यूटर में वैसा ऑप्शन है कि हम लोग एक ही पियानो रोल में स्लाइड भी डाल सकते हैं, मतलब स्लाइड इफेक्ट भी डाल सकते हैं और नॉन स्लाइड नोट भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट है। लेकिन मोबाइल में ये चीज
नामुमकिन है, क्योंकि हम एक पियानो रोल में एक ही इफेक्ट दे सकते हैं, या तो स्लाइड या तो नॉन स्लाइड। एक पियानो रोल में हम लोग दो इफेक्ट डाल नहीं सकते, तो इस चीज को हम लोग को बाईपास करने कैसे करेंगे, एक ही सेम 808 को हम लोग दो बार लेंगे, ठीक है। एक को बनाएंगे स्लाइड, एक को बनाएंगे नॉन स्लाइड। अब कौन सा 808 यूज करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे एम्पिट। ओके, ये देखो भैया, यहाँ पे स्लाइड भी हमको बढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ा सा अटैक भी बढ़ाना है, ताकि हमको वो वाला इफेक्ट मिल सके, ठीक है। ये चीज होने के बाद हम लोग को एक पैटर्न सोचना है कि हम लोग क्या 808 का पैटर्न बनाएंगे। तो मैं कुछ भी एक बना लेता हूँ ताकि इस बीट के साथ फिट बैठे, ठीक है। तो हमारा जो भी मतलब नॉन स्लाइड 808 का नोट होगा वो नॉन स्लाइड पियानो रोल में बैठेगा, और जो भी स्लाइड नोट होगा तो वो स्लाइड पियानो रोल में बैठेगा, ठीक है। तो वैसे उसके हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। कहीं पे भी अगर तुमको लगता है कि हमारा जो स्लाइड वाला 808 है वो कुछ हमको और ज्यादा चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग चाहिए, तो अटैक के साथ छेड़छाड़ करो, तुमको इंटरेस्टिंग मिल जाएगा।
तो भाई लगभग हमारा 8-8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोगों को हम सुनाते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकला है। तो भाई देखा, एक डिफिकल्ट चीज को कितना आसान बना दिया। तो ऐसे ही बनाते, इतना आसानी से तुम लोग भी बना सकते हो ड्रिल बीट। तो बनाओ, इंजॉय करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो सिखाते।